गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु उरि गुरुरि देव महेश्वरा गुरुरि साक्षाति पारिब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कंठ विराजो सरस्वती मेरे हिवड़े में हिंगलाज रोमी रोमे कुल देवी करणी बसो मेरे नैना भेरू ना कुमावत समाज का गुरुदेव सबसे पहली निवण करूं गरवाजी महाराज ने कि गरवाजी ने वीणती चरण निवाऊं शीस कुमावत शरणे आपके संता देवो थे आशीष। जिला बिकाना माय ने सुरदना एक गाँव अरे कुमावत कुल में जुंजार हुया श्री दे दो जी महाराज। 1604 1604 में आषाढ़ बदी बारस आई जुंजार हुया श्री दे दो जी और वीर गति ए पाई। 1604 में दीदू जी महाराज वीर गति प्राप्त करी और आज सजनों कुमाऊं समाज का बहुत आभार व्यक्त करता हूं अध्यक्ष जी का कि एक बार नहीं अब पांचवी बार मेरी टीम को आपने याद किया। तो लिखे कि कुंभगढ़ा कमारी कन्या लंबा सर कुंभगढ़ा कमारी कन्या आवत जाको नाम कुंभगढ़ा कमारी कन्या आवत जाको नाम अरे गरवा जी कृपा करी और बन गई कुमावत जा। बोलो श्री गरवा जी महाराज की। श्री गरवा जी कृपा करी भई होई कुमावत जात। सब कृपा गरवा जी महाराज की है। दीदू जी महाराज की महिमा का बखान सुनिएगा। ओ शिवरू देवी ए मैया सरदा वो ए माँ ओ शिवरू देवी सरदा एक जानंद थानी द्याऊ जी एक जानंद थानी निवण करावो सूरज उगता ओ दादा निवण करावो सूरज उगता जरी गाऊं वार्ता अरे दे तो जी महाराज थे तो हे लो मारो सामलो कुमावत कुल का साचा देवता दे दो जी कुमावत कुल का साचा देवता करियो शुरुआत जी सूरमा के
खेती की करी शुरुआत थी। अरे पीता सरसों को चोर आया फेर के सर दे सर जी। अरे पीता सरसों को चोर आया फेर के सर दे सर जी। साजन जी बसायो सुरदनो गाव जी भाया। साजन जी बसायो सुरदनो गाव जी। हे बीतो जी महाराज थे तो हेलो मरु सामेलो। अरे बीतो जी महाराज थे तो हेलो मरो सामलो। कुमावत कुलिका साचा देवता बाप जी। कुमावत कुलमी साचा देवता। संवत 1324 में जब अलाउद्दीन खिलजी जैसलमेर पर आक्रमण करियो, भी आक्रमण में जुंदा जी शहीद हो गया और मेरे को पूरो परिवार बठासू पिता सर गांव आया। पिता सर सु कुचोर आया, कुचोरू केसर देसर आया। और केसर देसर के बाद में देदू जी महाराज का पिताजी जारो नाम हो साजन जी बे वो गांव सुरदना की स्थापना करियो, गांव बसायो। दीदू जी महाराज के बड़ा भाइया जरो नाम हो ना था जी और माता का नाम हो गेदर। तो बोले रे दीदू जी जुंजार जन्म्या सुरी दना के माई जी। अरे दीदू जी महाराज जन्म्या सुरी दना के माई जी। गेदर की लाया जाने गोद में मावड़ी। गेदर की लाया साजन जीरा बड़ा लाडला नाथा जी तो नाम जी। छोटा भाई दे दो जी जूदार जी सुन लियो। छोटा भाई दे दो जी जूदार जी। अरे दे दो जी महाराज थे तो मिलो मारो सामलो। गांव के पास में गांव है गीगासर। गीगासर गांव और सुरदना के बीच में कोई जमीनी विवाद हो तो देदू जी महाराज का बड़ा भाई नाथा जी गया आपरे पूरा गांव रा लोगों ने इकट्ठा कर बैठे। मैंने समझाया बोले युद्ध को कोई मतलब नहीं है। युद्ध में थे भी मारा जाओ लार माने भी सती होवेली। युद्ध मत करो शांति में सार है। लेकिन बे आगे वाला दुश्मन मान्या गोनी और नाथा जी सु युद्ध करियो। जी समय वो युद्ध हो सजनो बेटे देदू जी महाराज जांगलो प्रदेश गयोड़ा कोई काम सु। देदू जी महाराज भी युद्ध क्षेत्र में बैठे नहीं हा बे कोई काम सु गयोड़ा हा। नाथा जी महाराज एक बड़ा भाई आपरी पूरी भोज लेर बैठे हमलो करियो। लेकिन सजना भी ज्यादा तादाद में हा गीगा सर का लोग तो नाथा जी वो युद्ध हार गया और वापिस
गांव की तरफ आवन लग गया सुरदना की तरफ से। जब जांगलू प्रदेश देदो जी महाराज घर आया तो घर आता ही माँ ने पूछू, बोले माँ आज पूरा सुरदना गांव सुनसान कैसे, पूरा गांव सुनसान क्यों है, भाई नाथा जी कटे है। तब माँ बोली, रे बेटा थारा भाई तो युद्ध में गया है लड़ने रे वास्ते, तो देदो जी महाराज आप रे घोड़े माते में रवाना हो या। माँ बोली, रुख लाल बेटा चूरमो खले चूरमो, तेरे खातिर चूरमो बनायो, चूरमो जीम ले फिर लड़ने जाइए। बोले नहीं माँ, मारो भाई मारो परिवार मारो गांव तो दुख में है और मैं चूरमो किया खाऊं। देदो जी महाराज आप रे गांव की एक कमारी कन्या ने बुलाई और बिने चूरमो खिलायो। बोले बेटा मारी माँ को दियोड़ो मैं अपमान नहीं करूं। कमारी कन्या ने बोली, बेटा तू खा, बच्ची ने चूरमो जिमा और माँ ने क्यों, माँ आज देदा जी महाराज ने अंतिम बार देख ले थारो बेटो पाछो नहीं आवे, क्योंकि मैं जमीनी विवाद रे वास्ते इन भोमरी रक्षा रे वास्ते जा रही हूं। माँ थारो देदो पाछो कोनी आवेला, थारा बच्चा ने जो ले देख ले आज अंतिम समय देख ले। ये बोलकर देदो जी महाराज आपने घोड़े ने श्रृंगार और युद्ध क्षेत्र में रवाना होया। तो बोले इज गया जांगलू देदू जी सूरी दना में आया जी, हो गया जांगलू देदू जी सूरी दना में आया जी, माता ने पूछी ए दो बातड़ी, सूरमा माता ने पूछी दे दो जी बातड़ी, अरे चूर मोजी मलो दे दादी बोली प्यारी मावड़ी। अरे पानी तो पी ले रे ठंडो जार को बेटा, पानी पी ले रे ठंडो जार को, हो दे दो जी महाराज थे तो हेलो मारो सामेड़ो, कुमावत कुड़िरा साचा देवता, अरे कुमावत कुड़ में साचा देवता। सुनो मेरी मैया, ओ मारो भाई झगड़ा मायने, देदो जी महाराज कहने लग्या, अरे गांव पड़ियो सुनो मैया, अरे मारो भाई झगड़ा मायने, अरे देदो जी कैया जी में चूरमो, देदो जी कैया जी में चूरमो, अरे कावारी कन्या ने चूरमो मारो भरा दे दो जी। अरे कावारी कन्या ने चोर मोजी मायो मारा दे दो जी। पाची तो आसू ये मारी मावड़ी, सुन ले पाछो नी आसू मारी मावड़ी, क्षेत्र में रवाना हो गया। रास्ते में नाथा जी मिल जावे, नाथा जी ने पूछो, भाई साहब आप अकेला कहाँ गया, बोले देदू जी आप हाँ नहीं और मैं जमीनी विवाद वास्ते इन भूमि की रक्षा वास्ते धरती माता की रक्षा वास्ते अकेलो चले गए।
और भी युद्ध में अपनी हार होगी। हार क्यों हुई? क्योंकि वे सैनिक ज्यादा हा, मारे कने आदमी कम हा। ये बात सुनते ही वीर देदो जी महाराज की भुजाएं फड़क गई और वीर देदो जी महाराज आपने घोड़े रे एड़ लगी, बोले भाई साहब नाथा जी आप देदारे सागे पधारो, इन देदो जी रे सागे चालो, आप युद्ध करा ला और युद्ध में आप जीत हासिल करा ला। तो कहीं केवल ला गया हे नाथा जी मार्ग में मिलिया पूरी बात बताई वो खांडो खड़कायो रे जूझार जी, अरे खांडो तो खड़कायो जूझार जी, अरे एक एक बेरी ने मारण लाग्या अब दे दो जी, अरे एक एक बेरी ने अब मारण लाग्या दे दो जी, अरे खून तो पीवे रे माता काल का भाई रे, खून पीवे रे माता काल का, अरे दे तो जी महाराज थे तो हेलो मारो सामड़ो, अरे कुमावत कुलीरा साचा देवता, कुमावत कुलमी साचा देवता, भूमि में पहुंच गया। एक अकेलो वीर नाथाजी की पीछे पूरी फौज, वे सभी दुष्टा को संगार करवा ला गया, एक एक बेरी को शीश काटवा ला गया। देदो जी महाराज 64 जोगणियां चिलकार करी, मां काल का खंडा में खप्पर भर लियो रे, देदो जी कुमावत आज घोड़ी चढ़ियो है, आज खून का प्याला पीवली, खून का प्याला पीवली। देदू जी महाराज सजनों लगभग पूरी भी सेना ने खत्म कर दी, लेकिन भी सामली सेना को एक भांजो, भी सामली सेना को कोई भांजो देदू जी महाराज के शीश के पीछे से आक्रमण कर देवे और देदू जी महाराज ने बठे वीर गति प्राप्त हो जावे, पूरी कायनात रुक जावे साहब, चारों तरफ सन्नाटो छा जावे, क्योंकि वीर देदू जी महाराज वीर गति ने प्राप्त हो जाओ। लेकिन अभी भी शीश तो नीचे गिर चुका धरती माता पर, लेकिन देदू जी महाराज की धड़ अभी भी घोड़े पर विराजमान है। उस समय देदू जी महाराज की धड़ ने अपनी कुल देवी को याद किया कि हे स्वांगिया माँ, अगर लाज रखी तो धरा बेटा की आज टेम है, हे स्वांगिया माँ शक्ति दे, माँ शक्ति। एक आसमान सु दिव्य पुंज आयो सजनों और देदू जी महाराज की धड़ में समाहित हो गई, देदू जी महाराज की धड़ प्रकाशमान हो गई और एक एक बेरिया ने एक एक इंसान ने मारण लागी, पूरी की पूरी सेना को खात्मो कर दियो। लेकिन अभी भी नीचे नहीं गिरी है, कहां पर बैठी है धड़? घोड़े पर बैठी है। और जब वही देदू जी महाराज की धड़ केसर देसर की तरफ चलने लगी तो भी गांवरा ब्राह्मण भी बोलिया रे आज धड़ रीस में है, पतो नहीं कत्तो आज लोगानो खत्मो करेला। तो ब्राह्मण अरदास करी कि हे वीर देदू जी महाराज, हे झुंझार जी महाराज, मारो कोई दोष नहीं है, आप इस जगह ने छोड़ो और मारे माथे कृपा करो। तब देदू जी महाराज की धड़ भी केसर देसर सजनों गीगासर की तरफ उड़ गई
गीगासर वाला समझ गया बटका बीटीएम रा भी लोग कि आज देदू जी घोड़ी छड़ी और धड़ अपनो पूर्णो श्रृंगार कर देवेली। सजनो दुश्मन बाप जी रे शरीर माते नील को छाटो दियो पर छाटो दियो देदू जी महाराज की धड़ बटई जमीन पर गिर गई और वीर जिंजवार जी महाराज की धरती माता रे वास्ते हमेशा हमेशा रे वास्ते कुर्बान हो गया। अगर बड़े प्रेम के साथ सभी लोग जयघोष करें बोलो वीर देदू जी महाराज की। चलो भैया जुगा जुगा तक दे लो जी गुण कुमावत का वेला ये जुगा जुगा तक कुमावत गुण था का गावेला आयोड़ा भगता पर कृपारा जो सूरमा आयोड़ा भगता पर कृपारा जो अरदास करूं बाप जी की भगता यू पर कृपा थे राख जो जुंजार जी और मारी बहन बेटा की रख जो अमर चूंदड़ी ओ मारी बहन बेटा की रख जो अमर चूंदड़ी। अरे अजमेरा का भाग जाग्या और सुरदना रे माई जी अरे कृपा तो करी माँ पे जूंजार जी कृपा तो करी माँ पे जूंजार जी। देदू जी महाराज का आशीर्वाद किस किस को चाहिए कर दोनों हाथ उठाओ जगह सच्चे दिल से कोई सौगंध नहीं मेरी बहन बेटी हो दोनों हाथ और ताली के साथ भी भजनी बना कर अजमेरो तो देता जी ने गावे भजनी बना कर अजमेरो तो दे दो जी ने गावे जी हे भजनी बना कर अजमेरो तो दाजी ने गावे जी ए दे दाजी ने गावे जी ओ दे दाजी ने गावे जी दे दो जी ने गावे।